descent of warrior always stays superior. The spirit of Defender has its own aroma that leads to glory. Takes up the fight against evil and spreads the threat. And the roar of Defender rules the kingdom. Rare fragrance brings out the best in strikes it like a thunderbolt. कूल आइडिया के मोजेस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तुर्किश का न्यू ड्रामा जो बहुत जल्द आने वाला है, उसका ट्रेलर आपके नज़र किया है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। इस ड्रामे का नाम याफूज सुल्तान सलीम है और ये हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस ड्रामे का मेन किरदार तुर्गुत और वंशी बे है, जो आपने अर्तुगरुल ड्रामे में बखूबी देखे होंगे। तमाम दोस्तों को आगाह करता चलूं कि याफूज ड्रामे का सुल्तान असल में हिस्ट्री में कौन था। इसका नाम सलीम अव्वल था। ये सल्तनत उस्मानिया का आठवां बादशाह था। सुल्तान सलीम अव्वल को सुल्तान याफूज भी कहा जाता था। इसने अपने बाप से सल्तनत छीन के सल्तनत पे बादशाह बना था। भाइयों की बगावत पे सब भाइयों को कत्ल करवा दिया था। सुल्तान सलीम अव्वल ने मशरिक मगरब की बजाय मशरिक की तरफ पेशकदमी की और वहाँ पे शाम, फलस्तीन, इराक को आज़ाद कराया और सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया। और फिर 140,000 फौज और तोपे लेकर ईरान की तरफ बढ़ो किया। जब ईरान और याफूज सलीम की फौजों का आमना सामना हुआ तो ईरान की फौज की तादाद ज़्यादा थी। बहुत तवील जंग हुई। जंग के बाद तुर्कों ने तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी तो उनके पास तोपे नहीं थी ईरान के पास, तो इस वजह से ईरान पसपा हो गया और सुल्तान सलीम याफूज ने ईरान को फतह कर लिया। जब सुल्तान याफूज सलीम ने ईरान को फतह कर लिया तो फिर कुस्तुम दुनिया की तरफ रवाना हुए। वहाँ रवाना होते वक्त सुल्तान के पास 1,000 ऊँट सोने चांदी से लदा हुआ था। ज़्यादातर माल गनीमत जहाज़ों के ज़रिए कुस्तुम दुनिया पहले ही भेज दिया गया था। सुल्तान सलीम अव्वल की वफ़ात 22 सितंबर 1530 को हुई। ये ड्रामा सुल्तान अव्वल पे बनाया जा रहा है, जिसका नाम है सुल्तान याफूज सलीम। इस ड्रामे को इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
تاں کہ ہر آنے والی نیو نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ آپ تک بالوقت پہنچے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔